तो दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आ गया दोस्तों आपके लिए एक और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, डीएलएफ वैली पंचकुला में। यहां पे आपको दिखाने वाले दोस्तों 400 गज में बना हुआ है 4 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर और बहुत प्यारी लोकेशन। आपको पता ही है डीएलएफ दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको कैमरा में थोड़े से डीएलएफ के व्यू दिखा दें, ये देखिए, ये आपको सामने, आपको पता है डीएलएफ में बहुत ही ग्रीनरी होती है, बड़े बड़े आपको पार्क मिल जाएंगे। ये आपको डीएलएफ के घर दिख रहे होंगे और ये वाला घर दोस्तों हमारा रहने वाला है बोथ साइड ओपन। जी हाँ, बोथ साइड ओपन, 4 BHK आपको लग्जरी फ्लोर। और ये हमारे आ जाते हैं लग्जरी फ्लोर और इसमें दोस्तों ये देखिए बहुत बड़ी आपकी ये एंट्रेंस आ जाती है। और बात करूँ जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ आपको बहुत बड़े साइज की देखिए पार्किंग मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर अवेलेबल है। और ये देखिए 400 गज दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी आपको एक पार्किंग एरिया मिल जाता है। आराम से आपकी, अगर मैं गाड़ियों की बात करूँ, यहाँ से आराम से दोस्तों 8 गाड़ियाँ तो पार्क हो जाएंगी। ये देखिए बहुत बड़ा पार्किंग एरिया। तो पीछे देखिए, आप भी एक जैसे ग्रीनरी मेंटेन करी हुई, आप भी ऐसे ग्रीनरी मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों जो हमारा कस्टमर फर्स्ट फ्लोर लेगा उसको ये जितना पार्किंग एरिया, इतने ही एरिया की दोस्तों बेसमेंट साथ में मिलने वाली है। आप वहाँ पे अपना दोस्तों कोई सिनेमा थिएटर बनाना चाहते हैं, कोई अपना नीचे दोस्तों कोई अलग सेटअप, कोई जिम सेटअप करना चाहते हैं, आप अपने ड्राइवर के लिए दोस्तों रूम बनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं विद लिफ्ट दोस्तों। ये सारी आपको इन्वेंटरी मिलती है। और ये देखिए यहाँ से हमारी आ जाएगी बेसमेंट, ये हमारा आ जाएगा लिफ्ट एरिया और ये आ जाएगी हमारी बेसमेंट। तो ये देखिए, कोशिश करता हूँ दोस्तों आपको बेसमेंट का व्यू दिखाने की। और ये जो हमारी लिफ्ट है वो हमारे बेसमेंट एरिया तक आती है। ये पूरी बेसमेंट, अभी दोस्तों लाइट कम है तो शायद आपको विजिबल ना हो, ये देखिए ये पूरी बेसमेंट देखिए, इसमें सीलिंग का काम दोस्तों स्टार्ट है। तो ये जैसा आप इसको सेटअप बनाना चाहते हैं आप इसका वैसा सेटअप बना सकते हैं। ये डेडिकेटली मिलेगी जो हमारा कस्टमर फर्स्ट फ्लोर वाला है। तो ये पूरी बेसमेंट सेटअप आपको ऐसे ही मिलता है। तो आप यहाँ पे जैसे मर्जी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपना दोस्तों जिम सेटअप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई रूम बनाना है, डोरमेट्री रूम बनाना है, कोई आपके सर्वेंट है, ड्राइवर है, उसके लिए बनाना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज हम इसी फ्लोर का करने वाले हैं टूर। तो बहुत प्यारे दोस्तों बने हुए हैं लोकेशन, जैसे मैंने बताई डीएलएफ पंचकुला। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लें, क्योंकि बहुत प्यारे घर का आज हम करने वाले हैं टूर। तो चलिए फिर बिना देरी करें चलते हैं हमारे सैंपल फ्लैट में। तो ये है दोस्तों हमारा आज का सैंपल फ्लैट, बहुत ही प्यारा बना हुआ दोस्तों, 400 गज का 4 BHK। तो ये मैं खड़ा हूँ एंट्रेंस के ऊपर और जैसे मैंने आपको बताई लोकेशन दोस्तों, डीएलएफ वैली पंचकुला में अल्ट्रा लग्जरी फ्लोर रहने वाला है। आपको पता है बड़ा है तो बेहतर है। देखिए पहले बहुत प्यारा इसका हैवी एंट्रेंस डोर मिलेगा स्मार्ट लॉक के साथ और ये आपको विद लिफ्ट मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए हमारी आ जाती है लिफ्ट और यहाँ पे दोस्तों जो हमारी अवेलेबिलिटी है वो आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर मिल जाएगी। और जैसे हम अंदर आते दोस्तों, इसलिए दोस्तों हमारा आ जाता है फॉयर एरिया और बिल्कुल उसके साथ ये हमारा आ जाएगा ड्राइंग एरिया। तो ये देखिए इसको सेपरेशन दिया गया ग्लास के साथ और ये हमारा ड्राइंग एरिया। तो अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ दोस्तों, इसका जो अप्रॉक्सीमेटली साइज़ होने वाला है, अब देखिए पहले इसका एक बार व्यू, फॉल सीलिंग देखिए बहुत प्यारी। और इसका साइज़ दोस्तों 14x12 साइज़ रहने वाला है। और जितनी दोस्तों फॉल सीलिंग देख रहे हैं बिल्कुल आपको एज इट इज़ मिलने वाली है, मूवेबल आइटम आपकी इंक्लूड नहीं रहने वाली। और ये देखिए अब देखिए फॉल सीलिंग का व्यू बहुत प्यारा, देखिए बहुत प्यारी दोस्तों प्रोफाइल लाइट यूज़ करी गई हैं, आपकी कॉब लाइट, एलईडी लाइट्स, यहाँ पे बहुत प्यारा वॉलपेपर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी हमारा यूपीवीसी के साथ एक्सेस हमारी बालकनी का।
तो एसी दोस्तों आप देख रहे हैं, एसी आपके इंक्लूड रहने वाले, जो आप जितनी आपकी लाइटिंग और एसी है दोस्तों इंक्लूड रहने वाले, इंक्लूडिंग सीलिंग फैन। तो यहाँ पे हमें बहुत बड़े साइज की दोस्तों मिलती है विंडो वेंटिलेशन के लिए यूपीवीसी के साथ, और मैश डोर आपका इंक्लूड रहने वाला है। और ये देखिए बहुत बड़े साइज की दोस्तों हमारी आ जाएगी ये बालकनी। इसकी अगर मैं साइज की बात करूँ, इसका साइज रहने वाला है 31x6 का। और आप देखिए एक बार बाहर के व्यू, ये हमारा DLF वैली है दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी आपको सारी रोड्स मिल जाती हैं। सामने आप देख रहे हैं दोस्तों इसके पार्क भी आ जाती है, और गेटेड सोसाइटी में रहने वाला है। आप भी अगर बहुत प्राइम लोकेशन, बिल्कुल दोस्तों जो हिल्स वाला एरिया है वहाँ पे अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो दोस्तों इसको आप ज़रूर चेक करें। और ये आ गया हमारा दोस्तों बेडरूम का एक्सेस, यहाँ से हमें एक्सेस बालकनी का मिलता है हमारे बेडरूम से भी। इसका व्यू आपको दिखाऊंगा अंदर से। और यहाँ पे हमें मिल जाएगी टैप की प्रोविजनिंग, यहाँ पे हम अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर से हमारे ड्राइंग एरिया में, और वहाँ से आपको दिखाऊंगा व्यू हमारे बेडरूम का। तो ये देखिए UPVC इंक्लूडिंग ब्रश के साथ। तो ये देखिए यहाँ आ जाएंगे हम अपने फैमिली लॉन्च में। तो ये देखिए ये हमारा आ जाएगा फैमिली लॉन्च, और इसका एक बार देखिए आप फॉल्स, बहुत प्यारा वुडन को यूज़ करा गया है LED लाइट्स के साथ। ये पूरा हमारा फैमिली लॉन्च, और दोस्तों हमारा डाइनिंग एरिया, हमारा किचन एरिया आ जाता है। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ, यहीं पर हमारे आ जाएंगे दोस्तों बेडरूम। तो ये आ गया हमारा पहला बेडरूम, और इसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ दोस्तों, अगेन 14x12 इसका साइज़ रहने वाला। फ्लोरिंग बहुत प्यारी रहने वाली है, यहाँ पे भी आपको देखिए डाउन सीलिंग में LED लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे हमारी प्रोविजनिंग आ जाएगी TV पैनल की, और बिल्कुल हमारे एंट्रेंस डोर के बैक साइड आ जाएंगे हमारे वार्डरोब। ये देखिए डबल लेमिनेटेड, नीचे आपका शू रैक आ जाएगा, और यहाँ से हमें एक्सेस अगेन मिल जाता है बालकनी का। तो UPVC के साथ ये वही दोस्तों बालकनी है जो भी मैंने आपको व्यू दिखाया था, आपको एक्सेस इस रूम से भी मिल जाएगा। और बिल्कुल इसी के साथ अटैच आ जाएगा हमारा वॉशरूम, और अगर आपको कैमरामैन दिखा दें, आपको यहाँ पे भी AC इंक्लूड रहने वाला है। तो आइए चलते हैं हमारे वॉशरूम में, और इस वॉशरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, 7x6 इसका साइज़ रहने वाला है। आपकी वॉल हैंग सीट आ जाएगी जैकवार ब्रांड की, आपकी वैनिटी आ जाएगी, ये देखिए ग्लास के साथ इसको सेपरेशन दिया गया है, और यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाएगी। रूफ हाइट से टाइल्स लगी हुई हैं, सीलिंग प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं है, एग्जॉस्ट की ब्रिज आपको मिलने वाली है, और यहाँ पे हमें विंडो मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए। तो ये था हमारा पहला बेडरूम। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट बेडरूम में, 4BHK दोस्तों ये हमारा पहला बेडरूम है, और बिल्कुल जैसे हम बाहर आएंगे यहाँ आ जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम। इसके अगर मैं साइज की बात करूँ दोस्तों, इसका साइज रहने वाला है 13x11 का, और यहाँ पे भी देखिए फॉल सीलिंग आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, AC आपका यहाँ पे भी इंक्लूड रहने वाला है, और यहाँ पे हमें एक विंडो मिल जाएगी हमारे वेंटिलेशन के लिए, अगेन UPVC के साथ, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा प्लॉट है तो यहाँ पे एक बहुत बड़े साइज का आपको मिल जाएगा डक्ट एरिया, वो भी आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ भी हमें अटैच मिलने वाला है वॉशरूम। तो उससे पहले देखिए व्यू हमारे वार्डरोब का, नीचे आपके शू रैक आ जाएंगे, आपका एक नौकर आ जाएगा इसमें, डबल लेमिनेटेड है, और ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। अगर मैं इस वॉशरूम के साइज की बात करूं, 8x7 इसका साइज रहने वाला है। अगेन आपकी वॉल हैंग सीट आ जाएगी, हमारा मिक्सर शावर सब कुछ जयपुर ब्रांड का रहने वाला है, रूफ हाइट से टाइल्स लगी हुई है, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी वैनिटी,
वो भी चेक और ब्रांड की अगेन स्टोरेज के साथ। ऊपर देखिए आपको एग्जॉस्ट की प्रोविजनिंग भी मिलने वाली है। तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। तो आइए चलते हैं अब हमारा मेन दोस्तों, ये देखिए ये आ जाएगा हमारा फैमिली लाउंज। यहाँ पे आपको अगेन एक एसी मिल जाएगा और बहुत बड़े साइज का यहाँ टीवी पैनल मिलने वाला है और पूरा इटालियन मार्बल यहाँ लगा हुआ है। और ये आ जाएगा दोस्तों हमारा एक बहुत बड़ा डक्ट एरिया। तो ये देखिए अगर आपको कैमरा में पूरा डक्ट एरिया का व्यू दिखा दें, क्योंकि दोस्तों जो बड़े प्लॉट होते हैं उसमें ये डक्ट एरिया छोड़ना मैंडेटरी होता है। और ये पूरा हमारा फैमिली लॉन्च और यहाँ पे आपके दोस्तों गेस्ट आपके प्राइवेसी मेंटेन रहे, आपके वॉशरूम में ना जाएं, तो यहाँ पे हमने एक दिया है पॉड रूम। आप चाहें तो इस एरिया में दोस्तों अपना मंदिर भी बना सकते हैं। और ये आ गया हमारा पॉड रूम। इसके अगर मैं साइज की बात करूं, 4x4 इसका साइज रहने वाला है। देखिए आपकी आगे जैकवा वगैरह की वॉलिंग सीट, आपकी वैनिटी, सब कुछ दोस्तों रेडी है, रेडी टू मूव इन्वेंट्री है। आप इसको जरूर कंसिडर करें। और ये आ गया हमारा डाइनिंग एरिया। देखिए 6-seater डाइनिंग लगने के बाद भी बहुत ज्यादा आपकी स्पेस है। ये हमारा दोस्तों ब्रेकफास्ट टेबल आ गया। और अब देखिए एक बार डाउन थिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपका एक एसी आ जाएगा। और ये हमारा ब्रेकफास्ट टेबल बहुत प्यारा। ये आ गई हमारी मॉड्यूलर किचन। अगर मैं दोस्तों किचन के साइज की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो साइज रहने वाला है 13x12 के आसपास। तो आपको पता है इस साइज के तो बेडरूम ही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी किचन। सबसे पहले ये हमारी स्पेस आ जाएगी रेफ्रिजरेटर के लिए। और ये देखिए आपकी क्रॉकरी के लिए आप अपने अप्लाइंसेस रख सकते हैं। ये हमारे अप्लाइंसेस दोस्तों रेडी कर लिए, स्पेस मिल जाएगी आपको। आपकी वेजिटेबल की बकेट्स आ जाएंगी। और ये हमारा देखिए ब्रेकफास्ट टेबल स्टोरेज के साथ। और ये जो किचन में दोस्तों आप देख रहे हैं, ये सारा जो ये वाली फिनिशिंग है ये सारा डीको पेंट हो रखा है। तो एक अलग सेटअप, लग्जरी सेटअप है। ये देखिए स्टोरेज, जैसी किचन आप देख रहे हैं बिल्कुल आपको एज इट इज मिलने वाली है। गैस पाइपलाइन आपके अंडरग्राउंड रहने वाली है, आपका हॉब आ जाएगा, आपकी चिमनी इंक्लूड रहने वाली है। और ये देखिए बहुत बड़े बड़े दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे आपका कॉर्नर आ जाएगा। डबल डबल स्टोरेज के साथ बहुत बड़े साइज की दोस्तों किचन है। ये देखिए थोड़ा सा सेटअप करके दिखाया जा रहा है कि आपको कैसे आप स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डबल सिंक आ जाएगा। अगेन फिटिंग आपकी जैकवार ब्रांड की रहने वाली है। और ये जितना दोस्तों मटेरियल है सारा क्वाड लगा हुआ है। यहाँ पे आपको विंडो वेंटिलेशन की भी मिल जाएगी। ये आपका दोस्तों डस्टबिन की स्पेस आ जाती है। और ये अगेन आपकी एक्स्ट्रा स्पेस मिलने वाली है। तो कैसा लग रहा है दोस्तों, आलीशान घर है, 400 गज, बहुत प्यारा लोकेशन। अगेन DLF पंचकुला रहने वाली है। तो ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम। अगर मैं इस बेडरूम के दोस्तों साइज की बात करूं, 16x14 के आसपास इसका साइज रहने वाला है। देखिए बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा स्पेस है। और इसकी आप देखिए सीलिंग, अगेन आपको एसी इसमें इंक्लूड रहने वाला है।
और ये हमारा आ गया वार्डरोब एरिया कम ड्रेसिंग एरिया। तो ये देखिए शू रैक के साथ नीचे भी आपको शू रैक मिल जाएंगे, यहाँ लॉकर भी मिल जाएगा। और अगर भाई इस एरिया की साइज की बात करूँ दोस्तों, तो इसका साइज 8x8 रहने वाला। यहाँ हमारा आ जाएगा ड्रेसिंग एरिया और ये आ गया हमारा अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम के साइज की बात करूँ 7x7 इसका साइज रहने वाला है। अगेन सेपरेशन ग्लास के साथ मिल जाएगा। जैकवार ब्रांड की सारी फिटिंग आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए विंडो मिल जाएगी एग्जॉस्ट के साथ वेंटिलेशन के लिए। रूम हाइट्स तक अगर आप देखो तो टाइल्स लगी हुई हैं, आपकी वॉल एंड फीट आ जाएगी। यहाँ आ जाएगी हमारी वैनिटी अगेन स्टोरेज के साथ। तो ये था हमारा थर्ड बेडरूम जिसके साथ आपको ये अटैच वॉशरूम मिल जाता है। और इस रूम से भी हमें एक्सेस मिलता है हमारी रियर बाथरूम का। ये बोथ साइड ओपन इन्वेंटरी रहने वाली है। ये देखिए अगेन आपको मैच डोर के साथ और इस अगर मैं अब देखिए पहले इस पूरी वॉल्कन का व्यू और अगर मैं इसके भी साइज की बात करूं 31x6 इसका साइज रहने वाला है। और ये पीछे देखिए आपको एक ये हमारी डेडिकेटली आपको नीचे पार्किंग मिलती है और ये पीछे इसके रोड रहने वाली है जो DLF वैली को कनेक्ट करती है। तो वो साइड ओपन ये इन्वेंट्री रहने वाली है और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ हमें एक्सेस मिलता है हमारे फोर्थ बेडरूम का। तो इसका व्यू दिखाता हूँ आपको हमारे बेडरूम के अंदर से। तो आइए चलते हैं हमारे फिर से बेडरूम के अंदर। तो ये आ गया हमारा बेडरूम जो थर्ड बेडरूम हमने देखा। तो यहां से हमारा एक्सेस आ जाएगा फोर्थ बेडरूम का। ये आ गया हमारा फोर्थ बेडरूम। और इसके साइज की अगर मैं बात करूँ 16x13 इसका साइज रहने वाला है। देखिए किंग साइज बेड लगने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। और ये हमारा अगेन दोस्तों एक्सेस हमारे रियर कोर्टयार्ड का यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे ये स्टडी टेबल आपका आ जाएगा स्टोरेज के साथ। ये हमारा टीवी पैनल आ जाएगा। और इसके लिए अगर आप दोस्तों डाउन सीलिंग देखोगे फॉल सीलिंग बहुत प्यारी को वुडन टच भी इसमें मिल जाएगा। और ये देखिए बहुत प्यारा यहाँ पे आपको इस वॉल पे हुआ हुआ काम मिलने वाला है। और ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। तो अगर मैं इसकी दोस्तों लेंथ की बात करूँ अप्रॉक्सीमेटली 14 के आसपास इसकी लेंथ रहने वाली है और विड्थ इसकी 8 फीट रहने वाली है। वार्डरोब आपको यहीं पे मिलते हैं। और ये देखिए पहले आप वार्डरोब अंदर लॉकर के साथ, नीचे आपको शू रैक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको ये प्रॉब्लम मिल जाते हैं। तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट भी आपको ऐसे ही बॉर्डर मिल जाते हैं। बहुत बड़े साइज की। और ये अंदर आपको ये स्टोरेज मिल जाती है। और फिर हमारा दोस्तों वार्डरोब एरिया के बाद ये हमारा आ जाता है वॉशरूम। अगेन रूम 5 तक है, सीलिंग फैन इंक्लूड रहने वाला है। यहाँ पे हमारी दोस्तों वॉलिंग सीट आ जाएगी और यहाँ पे आने वाली है वैनिटी। यहाँ पे आपको प्रोविजनिंग मिल जाएगी एग्जॉस्ट की। तो वैनिटी के साथ भी हमें स्टोरेज मिलने वाली है। नीचे भी आपको स्टोरेज मिल जाएगी।
तो ये था दोस्तों हमारा 4 BHK अल्ट्रा लग्जरी फ्लोर 4 BHK बना हुआ। तो आपको दोस्तों इसको देखना है, विजिट करना है, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों जल्दी से कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। हमारे पास दोस्तों लग्जरी से लग्जरी और अफोर्डेबल से अफोर्डेबल घर मिल जाते हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको सारी वीडियोज़ मिलने वाली हैं। और दोस्तों अगर आप इस घर की शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारा व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।